हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लंजन को कॉल किया था सेकेंड डेट के लिए मना करने के लिए, पर तभी लंजन ने विंग को कहा कि उसने फंगपेई हॉल में लंच का इंतज़ाम किया है एंड उसने ये भी कहा है कि वो विंग को ब्रिवरी में टूर भी कराएगा जहाँ पर एम्परर स्माइल बनता है। ये सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया एंड वो डेट के लिए मान गया। आज विंग लंजन के साथ डेट पर जाने वाला था, बट अभी वो मोशनू के घर पे था क्योंकि लंजा उसे वहाँ से ही पिक करेगा। मोशनू अपने क्लाइंट के लिए एक आर्ट बना रहा था जो लगभग इम्पॉसिबल था। वो बहुत कोशिश तो कर रहा था बट वो परेशान हो चुका था एंड विंग मोशनू को देख रहा था एंड बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था, लंजा के मैसेज का वेट कर रहा था। ये देख के मोशनू ने कहा, वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है ना? विंग ने कहा, जल्दी। ये बोलकर वो फिर से अपने फ़ोन को देखने लगा। तभी मोशनू ने कहा, यू नो वॉट, बार बार अपने फ़ोन को देखने से मैसेज जल्दी नहीं आ जाएगा। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड वो सोफे के ऊपर लेट गया। ये देख के मोशनू ने कहा, अगर तुम ऐसे लेटे रहोगे तो तुम्हारे कपड़े में रिंकल्स आ जाएगा एंड तुम्हारा हेयर भी मेसी हो जाएगा। ये सुन के विंग जल्दी से उठ गया एंड अपने आप को मिरर में चेक करने लगा। उसने कहा, हेल्प मी मोशनू, मैंने अपने हेयर को बिगाड़ दिया है। देन मोशनू विंग के पास गया एंड उसके हेयर को ठीक किया। मोशनू ने कहा, चलो ठीक हो गया है। ये सुन के विंग ने कहा, थैंक यू मोशनू, मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा हूँ। ये बोल के विंग स्माइल करने लगा एंड बार बार अपने फ़ोन को चेक करने लगा। ये देख के मोशनू को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था कि विंग अपने डेट के लिए कितना ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो अपने डेट को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड था, वो भूल ही चुका था कि वो किसके साथ डेट पर जा रहा है। तो मोशनू ने कहा, आई नो मैं तुम्हें ये कहीं पर कह चुका हूँ बट फिर भी अगर तुम्हें, तभी विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अगर मुझे डेट से अनकम्फर्टेबल लगे तो मैं कभी भी किसी वक्त भी इस डेट को कैंसिल कर सकता हूँ एंड वहाँ से चला आ सकता हूँ, राइट? डोंट वरी मोशनू, आई एम श्योर आज मुझे बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले मोशनू कुछ कहता, विंग के फ़ोन में मैसेज आया। विंग ने मैसेज का रिप्लाई किया एंड फ़ोन को पॉकेट में रख दिया। उसने कहा, लांगवांग जी बाहर वेट कर रहा है, मुझे अभी जाना होगा। थैंक यू मोशनू, बाय। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया। विंग के जाने के बाद मोशनू ने मन ही मन में कहा, आई होप सब कुछ सही रहे एंड सब कुछ ठीक हो जाए। विंग मोशनू के अपार्टमेंट के बाहर आया जहाँ पर लांगवांग जी उसके लिए वेट कर रहा था अपने कार के सामने। लांगवांग जी आज भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। विंग का स्माइल उसके फेस से जा ही नहीं रहा था। वो दौड़ के लंजा के पास आया। उसने कहा, लांगवांग जी तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। ये सुन के लंजा ने कहा, सेम टू यू। ये बोल के लंजा ने विंग के लिए कार के दरवाजे को ओपन किया एंड विंग कार के अंदर जाके बैठ गया। देन लंजा भी ड्राइवर सीट पे आकर बैठ गया। विंग थोड़ा ब्लश करने लगा। देन लंजा ने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। विंग ने पूछा, तुम्हारा वीक कैसा गया? लंजा ने कहा, अच्छा। एंड तुम्हारा? विंग ने कहा, मेरा भी अच्छा ही गया। मैं बहुत दिनों बाद एक फ्रेंड से मिला एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बट हाँ थोड़ा स्ट्रेसफुल था क्योंकि एक क्लाइंट ने मुझे एक बहुत ही टफ काम दिया है जो लगभग इम्पॉसिबल है, बट ओके मैं कर लूँगा। लंजा ने कहा, देन फिर से कुछ टाइम के लिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे एंड गाड़ी का रेडियो चल रहा था। विंग बाहर का नज़ारा देख रहा था एंड उसका फेवरेट सॉन्ग सुन रहा था। देन वो खुद भी सॉन्ग के साथ सिंगिंग करने लगा। उसने सिंगिंग करते टाइम एक बार साइड आई से लंजा को देखा उसका एक्सप्रेशन चेक करने के लिए, बट लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही था, बट हाँ उसके लिप्स में एक छोटा सा स्माइल था। ये देख के विंग और भी ज़्यादा हैप्पी हो गया। फाइनली सॉन्ग खत्म होने के बाद विंग लंजा से पूछा, तो लांगवांग जी तुम्हें म्यूज़िक पसंद है राइट? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम गुजिन प्ले करते हो, तुम कब से प्ले कर रहे हो? ये सुन के लंजा ने कहा, बचपन से। विंग ने कहा, बचपन से प्ले कर रहे हो, इसका मतलब तुम गुजिन में बहुत ही अच्छे हो। मुझे गुजिन बहुत पसंद है, उसका साउंड बहुत ही डीप होता है। देन विंग ने धीरे से कहा, एंड नॉस्टैल्जिक भी। विंग ने यह बात धीरे से तो कहा बट लंजा को सुनाई दिया था, तो लंजा ने कहा, नॉस्टैल्जिक वो कैसे? लंजा के वॉइस में विंग को हेजिटेंसी फील हुआ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, क्या उसे सच बोलना चाहिए या फिर झूठ बोलना चाहिए। ऑफकोर्स वो अपने बारे में लंजा को सब कुछ सच तो नहीं बता सकता, बट अगर वो इस बारे में बता देगा तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा। तो उसने कहा, बचपन में मेरा एक दोस्त गुजिन प्ले करता था,
जब भी मैं सैड होता था तब वो मेरे लिए प्ले करता था एंड मुझे बहुत ही कंफर्ट फील होता था। ये सुनकर लंचन ने कहा, प्ले करता था क्या? वो अब प्ले नहीं करता? ये बोलते टाइम लंचन ने स्टीयरिंग को टाइटली पकड़ लिया, बट इस चीज़ को विंग ने नोटिस नहीं किया। वो अपने थॉट्स में खोया हुआ था। उसने कहा, मुझे पता नहीं, मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा। जिस दिन हम लास्ट टाइम मिले थे उस दिन हमारे बीच में थोड़ा सा फाइटिंग हुआ था एंड हमें फिर से कभी मौका ही नहीं मिला उसे मेकअप करने का। ये बोल के विंग चुप हो गया एंड लंजन ने भी कुछ भी नहीं कहा। स्वीट एटमोसफियर बिल्कुल टेंशन में बदल गया। ये चीज़ देख के विंग ने स्माइल की और कहा, जो भी हो अब वो मैटर नहीं करता, अब बहुत टाइम हो चुका है इस बात को। ये चीज़ विंग ने प्लेफुली तो कहा बट उसे बोलते टाइम बहुत ही हर्ट फील हो रहा था, बट वो ये चीज़ लंजन को नहीं बोल सकता। कुछ टाइम बाद लंजन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्ले करूँगा। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजन ने कहा, गुचिन, मैं तुम्हारे लिए प्ले करूँगा। लंजन ने यह बात बहुत ही सॉफ्टली कहा। ये बोलते टाइम लंजन का नज़र रोड के ऊपर ही था बट विंग का नज़र लंजन के ऊपर था। उसे पता है कि यह बहुत ही अच्छी बात है बट उसे ये भी पता है कि ऐसे फ्यूचर का प्लान करना ठीक नहीं है। उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फेक है, एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, हाँ मैं भी तुम्हें प्ले करते हुए सुनना चाहता हूँ। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया क्योंकि वो सच में लंजन को प्ले करते हुए सुनना चाहता है। उसे लगता है कि लंजन बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है एंड वो बहुत अच्छा प्ले करेगा। दिन वो दोनों फिर से साइलेंट थे। लंजन ड्राइव कर रहा था एंड विंग बाहर का नज़ारा देख रहा था। बाहर का नज़ारा देखते टाइम विंग डे ड्रीमिंग कर रहा था कि लंजन उसके लिए गुचिन प्ले कर रहा है अपने स्ट्रांग हाथों से। उसे गुचिन से जेलस फील हो रहा था कि लंजन का हाथ गुचिन के ऊपर है। हाउएवर वो फैंटेसी देखता है कि लंजन का हाथ उसके बॉडी में होगा, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट में। जब विंग ये सब सोच रहा था तब वो लोग ब्रियरी में पहुंच गए। वो लोग कार के बाहर आए एंड तभी उनके पास एक चेरी मैन आया उन्हें ग्रीट करने के लिए। वो लोग ब्रियरी के अंदर गए एंड देन विंग एंड लंजन इम्प्रेस स्माइल मेकिंग प्रोसेस देखने लगा। विंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, वो खुद भी इम्प्रेस स्माइल बनाने लगा। वो लोग बातें करने लगे, उनकी हिस्ट्री जानने लगे। टूर गाइड ने उन्हें इम्प्रेस स्माइल मेकिंग में हेल्प किया। जब उन लोगों ने बना लिया तब टूर गाइड ने कहा, अब इस बैच को 5 दिन लगेगा फेरमेंट होने के लिए एंड देन हम इन्हें जार्स में रखेंगे एंड तब इन्हें बांधने में लगभग 90 डेज लगेगा। ये सुनकर विंग पाउट करने लगा। उसने कहा, कितना शेम की बात है कि हमें 3 महीने वेट करना पड़ेगा। हमने जो इम्प्रेस स्माइल बनाया वो हम खुद भी नहीं पी सकते, कितनी दुख की बात है। बट जो भी मेरे बनाए हुए ड्रिंक को पिएगा आई होप वो उसे अप्रिशिएट करे। ये बोलने के बाद विंग ने इम्प्रेस स्माइल मेकिंग फिनिश किया एंड देन विंग लंजन को ढूंढने लगा उससे बात करने के लिए, बट उसके पास लंजन नहीं था, टूर गाइड था। एंड तभी उसने देखा कि दूर जो इंसान इम्प्रेस स्माइल को पैक कर रहा था लंजन उसके साथ बात कर रहा था एंड वो इंसान नोट भी कर रहा था। विंग को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा। दिन लंजन उसके पास लौट आया, इससे पहले विंग उससे कुछ पूछता। लंजन ने कहा, नेक्स्ट डोर में टेस्टिंग हो रहा है, क्या तुम जाओगे? विंग ने नोट किया। दिन वो लोग नेक्स्ट रूम पे चले गए जहाँ पे वाइन टेस्ट हो रहा था। उनके गाइड ने उन्हें बहुत सारे ड्रिंक्स ऑफर किया जिसे विंग ने तो पिया बट लंजन नहीं पी पा रहा था और ना ही वो मना कर पा रहा था। विंग ये चीज़ देख सकता था तो विंग ने लंजन के हाथ से ग्लास को ले लिया एंड खुद पी लिया। उस वाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा था बट इम्प्रेस स्माइल की तरह नहीं था। देन विंग ने टूर गाइड को कहा, एक्चुअली लांगवांग जी आज ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्राइव करेंगे। ये सुनकर टूर गाइड ने कहा, ओ मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। देन विंग ने कुछ और ड्रिंक्स भी ट्राई किया। उसने बहुत सारा ड्रिंक्स टेस्ट किया। उसे पता है कि जब वो ड्रिंक कर रहा था तब लंजन का नज़र उस पर था, लंजन उसे क्लोजली देख रहा था बट विंग ने उसे नोटिस ना करने का प्रिटेंड किया। देन विंग ने कुछ बॉटल्स परचेस किए एंड लंजन ने भी कुछ बॉटल्स परचेस किया। ये देख के विंग ने लंजन से पूछा कि वो किसके लिए परचेस कर रहा है क्योंकि लंजन तो ड्रिंक नहीं करता। तो लंजन ने रिप्लाई किया कि वो कुछ बिजनेस पर्पस के लिए परचेस कर रहा है। एनीवे विंग ने बात को पुश नहीं किया। देन जब विंग काउंटर में गया अपने ड्रिंक्स के लिए पे करने के लिए तब वहाँ पर कुछ और बॉटल्स था जो स्किन के लिए था।
वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो वाइन्स स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो विंग ने एक बोतल ले लिया। देन वो लोग ब्रियरी से निकल गए। अब वो लोग कार में थे, रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। लंजन ने रेस्टोरेंट के कुछ दूर एक पार्किंग में अपनी कार को पार्क किया। देन उसने कहा कि हम यहाँ से चल के जाएंगे। विंग ने टाइम चेक किया एंड उसने देखा कि उनके रिजर्वेशन का अभी टाइम है, तो चल के जाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो वो लोग वही करने लगे। 10 मिनट तक वो लोग ऐसे ही चलने लगे एंड तभी विंग को एक टॉय शॉप दिखाई दिया एंड विंग वहाँ पर दौड़ के चला गया। लंजन ने भी उसे फॉलो किया। लंजन ने कहा, तुम्हें टॉयज पसंद है? विंग ने कहा, हाँ मुझे एक्शन फिगर्स बहुत पसंद है, मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ। देन विंग ने एक टॉय की तरफ पॉइंटिंग की और कहा, एंड मेरे पास वो वाला टॉय है, वो मेरा फेवरेट है। लंजन ने हूँ कहा। देन लंजन ने कहा, मेरे बेटे को भी टॉयज बहुत ही पसंद है, स्पेशली एक्शन फिगर्स। ये सुनकर विंग ने और भी ब्राइटली स्माइल किया। उसने कहा, क्या सच में? ये बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे बॉय को एक्शन फिगर्स पसंद है, इसका मतलब तुमने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रेस किया है। उसका फेवरेट कौन सा है? लंजन ने हर एक टॉय को देखा एंड देन एक टॉय को पॉइंटिंग किया और कहा, वो वाला। विंग ने लंजन के गेस को फॉलो किया। वो टॉय एक मैन का था जिसका लॉन्ग हेयर था, जिसने व्हाइट एंड ब्लू रोब्स पहना था एंड जिसके बॉडी में कपड़े में क्लाउड का डिज़ाइन किया हुआ था। उसके हाथ में एक शॉर्ट था। वो एक्शन फिगर एक्चुअली एक शियानशिया मोनोबेल से इंस्पायर्ड है। विंग इस टॉय के बारे में जानता है, हालांकि उसके पास ये टॉय नहीं है, बट फिर भी वो उसे जानता है। तो विंग ने कहा, ओ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे पास नहीं है बट ये टॉय बहुत ही अच्छा है। सच में तुम्हारे बेटे का चॉइस बहुत ही अच्छा है। देन विंग ने लंजन की तरफ देखा एंड कुछ टाइम देखने के बाद वो स्माइल करने लगा। ये देख के लंजन ने पूछा, क्या हुआ है? तो विंग ने कहा, वो टॉय, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, शायद इसलिए ये तुम्हारे बेटे का फेवरेट होगा, क्योंकि ये टॉय उसके फादर की तरह दिखता है। देखो उसका फेस बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हैंडसम एंड एक्सप्रेशनलेस। ये सुनने के बाद लंजन अपने फेस को टर्न कर लिया, बट विंग देख सकता था कि लंजन ब्लश कर रहा है एंड उसका ईयर्स बिल्कुल रेड हो गया है। विंग ने स्माइल किया और बात को घुमाते हुए कहा, एनीवेज आई थिंक वो उस टॉय से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हर एक बच्चे का एक फेवरेट टॉय रहता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर लंजन ने हूँ कहा। तो विंग ने कहा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई टॉय है लांग वांग जी? लंजन ने कहा, हाँ मेरी माँ का दिया हुआ टेडी बियर। विंग ने पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो है? लंजन ने कहा, है मेरे क्लोजेट पे। विंग ने कहा, हाउ स्वीट, मेरा भी फेवरेट टॉय मेरी माँ का दिया हुआ है। एक्चुअली मेरे दोनों पेरेंट्स ने उसे दिया था, ये उनका फाइनल गिफ्ट था इससे पहले कि वो ये बोल के विंग रुक गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अभी लंजन को बोलने वाला था कि उसका पेरेंट्स नहीं है, बट मोशनों के तो पेरेंट्स है। विंग अभी के अभी ब्लंडर क्रिएट कर देता, तो उसने बात को घुमाते हुए कहा, उस टॉय के बाद से वो लोग मेरे बर्थडे पे मुझे सिर्फ आर्ट के सप्लाईज देने लगे। वही लास्ट टॉय था जो उन लोगों ने मुझे दिया था। ये सुनकर लंजन ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ हूँ किया। तो विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। विंग ने कहा, वो मेरा फेवरेट टॉय है एंड मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक दिन उसे खो दिया। ये बोलते टाइम विंग अपने ख्यालों में बहुत ही ज़्यादा खो गया था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि लंजन का एक्सप्रेशन बहुत ही टेंस्ड हो गया है। विंग ने कहा, वो टॉय एक क्रीपी गोल मैन का था जिसके हाथ पैर में चेन्स लगा हुआ था। ऑनेस्टली वो बहुत ही वर्ड लुकिंग था बट मुझे बहुत पसंद था। आई डोंट नो मेरी मम्मी ने उसे मुझे क्यों खरीद के दिया, बट आई रियली लव दैट टॉय। बट जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मैंने अनफॉर्चुनेटली उसे खो दिया, तो मैंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की बहुत कोशिश किया बट मुझे नहीं मिला। एनीवेज अब क्या किया जाए? विंग को उस टाइम का याद आ रहा था जब उसने अपने टॉय को खो दिया था। वो बहुत ही गुस्सा एंड सैड हो गया था। एंड उस टॉय को खोने के कुछ दिन बाद जियांग फैमिली ने ऑर्फनेज से उसे गोद लिया था एंड देन उसे अपना न्यू सिस्टर एंड ब्रदर मिला, तो वो उस टॉय के बारे में लगभग भूल ही गया था। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंजन उसे कुछ कहने वाला था एंड तभी उसके घड़ी के अलार्म बज उठा। ये सुन के विंग ने कहा, ओ हमें जल्दी रेस्टोरेंट पे जाना होगा, हमारा रिजर्वेशन का टाइम हो गया है, सॉरी कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लंजन ने कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। रेस्टोरेंट बहुत ही पास था, वो दोनों टाइम पे पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों पहुंचे
रेस्टोरेंट के मालिक जिंग ग्वांग्याओ ने उन दोनों को बो किया एंड वेलकम किया। उइंग ने जिंग ग्वांग्याओ को इससे पहले देखा है बट इतना करीब से नहीं देखा है। जिंग ग्वांग्याओ ने भी मोशन को इससे पहले देखा है बट इतनी करीब से नहीं देखा। जिंग ग्वांग्याओ ने लंजे से कहा, लांगवांग जी बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, आप कैसे हो? लंजे ने कहा, मैं ठीक हूँ। देन ग्वांग्याओ ने उइंग से कहा, मो शैनु तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। उइंग थोड़ा पैनिक हो गया, उसे लगा शायद जिंग ग्वांग्याओ उसे पहचान लेगा। उइंग ने कहा, तुम्हें देख के भी अच्छा लगा जिंग ग्वांग्याओ। जिंग ग्वांग्याओ ने उइंग को ऊपर से नीचे तक देखा, देन उसने कहा, तुम थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हो, तुम थोड़ा लंबे हो गए हो, और शायद नहीं, एनीवेज ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जिंग ग्वांग्याओ ने बात को ज़्यादा पूछ नहीं किया, ये देख के उइंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। जब मेंग्याओ ये सब उइंग को बोल रहा था, लंजे ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा था एंड सब कुछ सुन रहा था। देन मेंग्याओ ने लंजे से कहा, ओके मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन कर लिया है, मुझे फॉलो करो। देन वो दोनों मेंग्याओ को फॉलो करने लगे एंड मीट रास्ते पे ही मेंग्याओ रुक गया एंड लंजे की तरफ मुड़ा। उसने कहा, लांगवांग जी आई एम सॉरी अगर मैं अपने बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रहा हूँ, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई वो अब कैसा है? ये सुनकर लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। विंग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। तो लंजे ने कहा, वो करेंटली मेरे एंड मेरे बेटे के साथ रह रहे हैं। मेंग्याओ ने कहा, सॉरी मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो मैं थोड़ा वरीड हो गया था। लंजा ने कहा, वो जल्दी आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। मेंग्याओ ने कहा, ओके मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, एनीवे मुझे फॉलो करो। देन मेंग्याओ ने उन दोनों को एक टेबल दिया, वो लोग वहाँ पर बैठ गए एंड देन मेंग्याओ ने उन लोगों को ड्रिंक्स के बारे में पूछा, तो विंग ने सिर्फ वाटर ऑर्डर किया। मेंग्याओ ऑर्डर लेके वहाँ से चला गया। जैसे ही मेंग्याओ वहाँ से गया, लंजा ने विंग से पूछा, तुमने इम्पर्स मेल ऑर्डर नहीं किया? ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। देन विंग ने कहा, एक्चुअली नहीं, मॉर्निंग में मैंने इनफ पी लिया एंड लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ। ये बोलने के बाद विंग को याद आया कि मोशानू ने क्या कहा था, तो विंग ने पूछा, लास्ट वीक से याद आया? लांगवांग जी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि लास्ट वीक जब हमारा डेट था एंड जब मैं टेबल पे नहीं था तो क्या तुमने एम्परर स्माइल पिया था? क्योंकि जब मैं टेबल पे वापस आया तुम बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे। लंजा ने कहा, मैंने एक कप पिया था। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, बस एक कप? तो विंग ने कहा, मैंने रूमर्स सुना था कि तुम अल्कोहल नहीं पीते, तो तुमने क्यों पिया? ये सुन के लंजा ने कहा, मैं लूज नहीं करना चाहता था। विंग सोच रहा था लूज, वो क्या लूज करने की बात कर रहा है? देन विंग ने कहा, ओ तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा था ड्रिंक के लिए? मैं चैलेंज नहीं कर रहा था, बट अगर तुम्हें पता है कि तुम अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर सकते तो तुम्हें नहीं पीना चाहिए था। बट एनीवेज इट्स अ शेम कि तुम इम्पर स्माइल एंजॉय नहीं कर सकते। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया एंड लंजा सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। एंड देन उनको डिलीशियस फूड सर्व किया गया। वो लोग खाना खाते खाते बात करने लगे। विंग ने मोशन के बारे में बहुत कुछ बताया एंड लंजा सिर्फ किया जा रहा था। जब वो लोग ऐसी डेट को एंजॉय कर रहे थे तब विंग को सुनाई दिया कि उनके बगल वाले टेबल पे जो कपल बैठे थे वो उनके बारे में बात कर रहे थे। वो उनके बारे में लिटरली बुरा वाला बोल रहे थे, लाइक गेज एंड ये सब। ये सुन के विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो बहुत टाइम से सुन रहा था एंड फाइनली उसने टेबल के ऊपर अपने हाथ को ज़ोर से रखा, जिसे सुन के वो कपल चौंक गए। देन विंग ने उस कपल की तरफ देखा और कहा, इफ़ यू डोंट माइंड हम यहाँ पर डेट एंजॉय कर रहे हैं तो क्या आप थोड़ा धीरे बात कर सकते हैं? ये बोलकर विंग ने फोर्सफुली स्माइल किया। वो कपल्स कुछ कहने ही वाले थे, देन लंजर उनकी तरफ ग्लेयर किया एंड वो कपल्स बिल्कुल चुप हो गए एंड वो अपना खाना खाने लगे। देन फाइनली विंग ने अपने खाने की तरफ टर्न किया। उसका मूड बिल्कुल बिगड़ चुका था, अब उसका मूड बिल्कुल भी खाने का नहीं था। अब वो फील कर रहा था कि काश वो इम्पर स्माइल ऑर्डर करता। तभी लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना। विंग ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वो लोग रूड है, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। विंग ने कहा, इट्स ओके मुझे ये सब पसंद नहीं तो इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया,
अदरवाइज सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। लंजन ने कुछ कहा नहीं तो विंग ने कहा, क्या तुम ये सब हमेशा ही सुनते हो? लंजन ने कहा, बट अब मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ नोट किया। कुछ टाइम बाद लंजन ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, क्यों? लंजन ने कहा, क्योंकि तुम चुप नहीं रहे, एंड प्रोटेस्ट किया। ये सुनकर विंग का हार्ट बीट स्किप हो गया। जाने से पहले आज का बिल विंग पे करना चाहता था, बट लंजन उसे पे नहीं करने दिया। अब वो लोग कार में थे, मोशन के घर की तरफ जा रहे थे। वो दोनों साइलेंट थे, एंड विंग आज के डेट के बारे में सोच रहा था। आज उसने सच में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। दिन कुछ मोमेंट बाद विंग ने कहा, नो प्रॉब्लम लांगवांग जी, हम जैसे गेस्ट को ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये तो अब सिविक ड्यूटी बन गया है, ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। देन उन लोगों ने अपना मील फिनिश किया, एंड देन वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। स्पेशली तब जब लांगवांग जी उसके साथ बात कर रहा था, उसके साथ बात करने के लिए लांगवांग जी इंटरेस्टेड था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। जब विंग ये सब सोच रहा था, तभी लंजन ने अनाउंस किया। उसने कहा, मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजन ने कहा, मेरे भाई ने उसे तुम्हारे बारे में बताया, एंड उसने मुझसे बेग किया कि वो तुमसे मिलना चाहता है। ये बोल के लंजन ने विंग की तरफ देखा, एंड विंग नर्वस हो गया। उसने कहा, ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? ये बोल के विंग सोच रहा था, अब ये बात सीरियस होते जा रहा है। लंजन ने कहा, शायद। विंग ने कहा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये बोल के विंग सोच रहा था, तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है? लंजन ने कहा, मेरे बेटे ने कहा है कि वो उस इंसान से मिलना चाहता है जो इंसान उसके फादर को हैप्पी करता है। ये सुनकर विंग का दिल बिल्कुल पिघल गया। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था, एंड शॉक्ड भी। उसे पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट वो ऐसा हैप्पीनेस और भी ज़्यादा चाहता है। वो इस हैप्पीनेस का ग्रीडी है। तो उसने बिना सोचे ही कह दिया, ओके। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था कि वो भी लंजन के सन से मिलना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। शायद इससे विंग को थोड़ा अच्छा फील होगा, उसे और भी ज़्यादा हैप्पी फील होगा। लंजन ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू ट्रूली। ये सुनके विंग ने स्माइल किया। अब वो लोग मोशन के घर के सामने पहुंच गए। विंग ने अपने सामान कलेक्ट किया, एंड कार से उतरने से पहले उसने लंजन को एक छोटा सा बैग ऑफर किया। वहाँ पे एक अल्कोहल था जो स्किन केयर के लिए था। विंग ने कहा, ये लो, ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट। तुम अल्कोहल नहीं पीते, आई नो, बट इससे तुम्हारा स्किन अच्छा होगा। ये स्किन केयर के लिए है, एंड आई डोंट थिंक कि तुम इससे ड्रंक हो गए। ये बोल के विंग ने टीज किया। देन विंग ने कहा, एक्चुअली मैं तुम्हें आज के लिए थैंक यू कहना चाहता था। आई डोंट नो कि फेंगफेई हॉल के रिजर्वेशन में एंड ब्रियोरी के टूर करने में कितना कॉस्ट हुआ, बट आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। लंजन ने विंग के बॉटल को एक्सेप्ट किया, एंड उसे एडमायर करने लगा। देन लंजन ने विंग की सिल्वर आइज की तरफ देखा। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही देखने लगे। देन लंजन ने कहा, थैंक यू। विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया, एंड देन वो कार से उतर गया। जाने से पहले लंजन ने कहा, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। ये बोल के लंजन वहाँ से चला गया। बट विंग वहाँ पर ही खड़ा था, एंड एम्प्टी रोड की तरफ देख रहा था। उसे पता है कि ये बहुत ही इडियोटिक बिहेवियर है। क्योंकि लंजन वहाँ से जा चुका है, एंड विंग आई भी वहाँ पर खड़ा है एंड रास्ते को देख रहा है। बट फिर भी विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बात लंजन को हो तो उसे किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय लंजन का। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको लंजन एंड विंग का डेट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।